आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ 6 तरह की स्पेशल सब्जियाँ जो कि टिफिन बॉक्स में आप ले जा सकते हैं और उसे बनाना बहुत आसान है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार टिफिन वाली रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। क्रिस्पी या फिर बेसन वाली ब्रोकली बनाने के लिए एक पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही हम इसमें ये ब्रोकली डाल देंगे। तो ब्रोकली मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यूज़ किया, इसे धो के काट लिया है। ब्रोकली को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो इसे ऐसे छोड़ दें, गैस का फ्लेम मीडियम रखें, हम इसे कवर नहीं करेंगे। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि ब्रोकली जो है वो हल्का सा फ्राई हो गया है। तब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे कच्चा बेसन लिया है। आप चाहे तो बेसन को पहले से रोस्ट कर लें या फिर डायरेक्ट इसमें ऐसे डाल दें। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालें, उसके बाद ब्रोकली को ऐसे टॉस करें। इसके ऊपर हम वापस बेसन डालेंगे ताकि ब्रोकली के ऊपर बेसन की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। फिर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच या फिर 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च यूज़ करें, जितना आप तीखा खाते हैं। जीरा पाउडर डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/3 छोटा चम्मच और लास्ट में नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, इन सबको अच्छे से मिला दें और बेसन जब तक अच्छे से पक नहीं जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पे बेसन को मिला दिया मैंने, पैन को कवर कर दें और लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने दें। 7 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने और यहाँ पे बेसन जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो लास्ट में हम इसमें आमचूर का पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे। मिला दें इन सबको और इसे डालने के बाद हम 2 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो पैन को यहाँ पे कवर कर दें और 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दें। 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने और ये हमारा बेसन जो है वो अच्छे से पक गया है, ब्रोकली भी क्रिस्पी हो गई है। तो बस गैस को बंद कर दें और ले चलते हैं इसे पैक करने के प्रोसेस में। तो हम इसे टिफिन बॉक्स में डाल देंगे। ये ब्रोकली की सब्जी रोटी पूरी पराठे या राइस सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आलू बैंगन की सूखी सब्जी बनाने के लिए एक पैन में हम 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें जीरा डाल दें और जीरा को हल्का पका लें। उसके बाद हम इसमें 2 कटे हुए आलू डाल देंगे। तो आलू को मैंने ऐसे लंबाई में काटा है। मीडियम फ्लेम पे आलू को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे, जब तक कि आलू का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। आलू बैंगन की सूखी सब्जी में हम हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 लहसुन और 2 हरी मिर्च को ऐसे क्रश करके रखा है। तो पहले हम आलू को फ्राई होने देंगे, उसके बाद उसमें बैंगन डालेंगे, उसके बाद उसमें ये पेस्ट डालेंगे। तो आलू यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं, 1/2 से ज़्यादा हमने पका लिया है। अब हम इसमें छोटे वाले 4 बैंगन कटे हुए डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें बड़े वाले बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसके पीसेज जो है वो छोटे रखें। अब हम बैंगन को 1 मिनट फ्राई कर लेंगे आलू के साथ। तो यहाँ पे आलू बैंगन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे। इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फिर हम इसमें 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और इसमें हमें कोई भी मसाला नहीं ऐड करना है, बस हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट से ही ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। हम इसे मिला देंगे और ढक के हम इसे 4 से 5 मिनट तक या फिर जब तक आलू बैंगन पक न जाए तब तक पकाना है। तो पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लेम लो रखें। 5 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने और ये हमारा आलू बैंगन जो है वो पक गया है। आप चाहे तो गैस ऑफ करने से पहले फोक से ऐसे चेक कर लें। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को ले चलते हैं टिफिन बॉक्स में डालने के प्रोसेस में। ये सब्जी दिखने में जितना ही बेसिक लगता है, इसका टेस्ट उतना ही डिफरेंट आता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। मशरूम की मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए एक पैन में हम 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो 1/6 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लें, लहसुन को हल्का सा पका लें। इसके बाद हम इसमें सूखे लाल मिर्च डालेंगे। तो 2 सूखे लाल मिर्च ऐसे तोड़ के डाल दें। हम इस सब्जी को थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे। लाल मिर्च को भी हम तेल में थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही लाल मिर्च हल्का सा पक जाएगा, हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज ऐसे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए डाल देंगे। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और जब तक कि प्याज जो है वो थोड़ा ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे पका लें। प्याज के फ्राई होते ही हम इसमें मशरूम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम लिया है। मशरूम के मैंने 2 पीसेस किए हैं। आप चाहे तो अगर मशरूम के साइज बड़े हैं तो 4 टुकड़े कर लें। तो अब हम मशरूम को 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे मशरूम प्याज को मिला दिया है मैंने, बिना कवर किए आप इसे 2 मिनट पकाएं। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि मशरूम और प्याज अच्छे से मिक्स हो गया है, यानी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाला में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/6 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम यूज़ करें।
फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार जितना नमक यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा कम नमक यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसमें सेजवान चटनी यूज़ करनी है और सेजवान चटनी में पहले से ही नमक रहता है। तो यहाँ पे हल्दी और लाल मिर्च नमक मिला के हम इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर पैन को कवर कर दें और लो फ्लेम पर 1 मिनट पकने दें। 1 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे, इसे एक बार मिला देंगे। तो यहाँ पे हल्दी लाल मिर्च वगैरह पक गया है मशरूम के साथ, अब हम इसमें सेजवान चटनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सेजवान चटनी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे रेडीमेड यूज़ किया है, आप चाहे तो होममेड करें, उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। तो सेजवान चटनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सेजवान चटनी को अच्छे से मिला दें और उसके बाद पैन को कवर करके हम इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लेम लो रखें। 4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे। तो ये हमारी मशरूम की ज़बरदस्त सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज स्प्रिंकल कर दें या फिर धनिया पत्ता अगर आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम गैस को बंद करते हैं और ले चलते हैं इसे लंच बॉक्स में डालने के प्रोसेस में। तो ये वाली जो सब्जी है वो रोटी पराठे और चपाती के साथ तो अच्छा जाता ही है, साथ में ही आप इसे फ्राइड राइस के साथ भी टिफ़िन में ले जा सकते हैं। जब आप इस सब्जी को टिफ़िन बॉक्स में ले जाएंगे तो लोग आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल का नाम ज़रूर बताना। पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाने के लिए एक पैन में हम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दें और उसके बाद प्याज डाल दें। तो 2 मीडियम साइज के प्याज यूज़ किया है मैंने। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर प्याज को ऐसे मिला दें और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। 4 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक और लहसुन को हम प्याज के साथ आधे मिनट के लिए पका लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें। जैसे ही अदरक लहसुन पक जाएगा हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, उसके बाद मसाले डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। गर्म मसाला नहीं ऐड करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। मसालों को तेल में मिला दें अच्छे से। जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाएगा हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 1 बड़ा टमाटर मैंने बारीक काट लिया है, मिला दें इसे। टमाटर को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। पैन को कवर कर दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे पैन को कवर किया मैंने। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें पत्ता गोभी और मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पत्ता गोभी को धो के बारीक काटा है, पत्ता गोभी डाल दें और साथ में ही हम इसमें मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर यूज़ किया है, साथ में नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो प्याज के साथ उसे पका लें पहले। फ्रोजन मटर जो है वो ब्लांच किया हुआ रहता है तो उसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए आप इसे बाद में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को मिला दिया मैंने मसालों में। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे कवर करके। तो पैन को कवर किया, गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। 10 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट पकाएंगे, उसके बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पका लिया है, अब हम इसे ढक के लो फ्लेम पे 10 मिनट और पकाएंगे। 10 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे। तो ये हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप चाहे तो गैस को बंद कर दें और डायरेक्ट इसे ऐसे सर्व करें, या फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैगी का मसाला मैजिक यूज़ करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आधा पैकेट यहाँ पे मैगी का मसाला मैजिक में डाल देती हूँ, इसके बाद मिला दें इसे। मैगी का मसाला डालने के बाद इसे आप 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाए ढक के, तो इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर पैन को कवर कर दें और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दें। 1 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे, मिला देंगे इसे। तो आप देख सकते हैं सब्जी का जो कलर है वो भी थोड़ा सा रेड आ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, और टेस्ट तो आप पूछिए ही मत। तो लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारी बंद गोभी या पत्ता गोभी की मज़ेदार सब्जी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो गैस को बंद किया मैंने और अब हम इसे टिफ़िन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप इस सब्जी को पराठा या चपाती के साथ टिफ़िन में ले जाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग लगता है। कलर और टेक्स्चर तो आप देख ही सकते हैं। तो ये हमारी पत्ता गोभी की मज़ेदार सब्जी रेडी हो चुकी है। आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए एक पैन में हम 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही 2 आलू कटे हुए डाल दें इसमें। आलू के मैंने छोटे टुकड़े किए हैं। आलू को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही आलू हल्का सा फ्राई हो जाएगा, आप चाहे तो आलू को निकाल लें पैन से, या फिर अगर आप बड़ा पैन यूज़ करें तो आलू को किनारे कर दें। और इसके बाद एक साइड तेल करके हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। मिला दें दोनों को। जैसे ही प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा आप इसे आलू के साथ मिला दें और इसके बाद आलू और प्याज को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे ऐसे छोड़ दें और पकने दें।
थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि प्याज और आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं, तब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे दो शिमला मिर्च को ऐसे स्क्वायर शेप में काटा है, मिला दें। शिमला मिर्च को आलू के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को हमने पका लिया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। तो 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, बस इन सबको मिला देंगे। इस सब्जी में आप टमाटर का यूज़ ना करें, बिना टमाटर की ये सब्जी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, टमाटर से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तब हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आलू शिमला मिर्च वगैरह अच्छे से पक गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे गैस को बंद कर दें, या फिर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैगी का मसाला है मैजिक छिड़क दें, 1/2 पैकेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसे मिलाने के बाद 1 मिनट और पकाएं लो फ्लेम पे, इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन ये इसमें ऑप्शनल है। तो ये हमारी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गैस को बंद करती हूँ मैं और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो हम इसे टिफ़िन बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि हम टिफ़िन वाली सब्जी बना रहे हैं। ये सब्जी रोटी पराठा या चपाती के साथ बहुत अच्छा जाता है, ये आप देख सकते हैं। सब्जी का टेक्सचर बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सब्जी है, तो आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। ड्राई छोले मसाला बनाने के लिए एक पैन में हम 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची तोड़ के डालें, थोड़ा सा यहाँ पे दालचीनी डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। इन सबको हम थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 प्याज के स्लाइसेस डाल देंगे। तो प्याज को मैंने लंबाई में काटा है, मिला दें इसे। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो इसे ऐसे छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो यहाँ पर प्याज को स्प्रेड किया मैंने। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला मैंने, मिला दें इसे। अदरक और लहसुन को हम प्याज के साथ 1/2 से 1 मिनट भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। जैसे ही प्याज लहसुन अदरक के साथ भुन जाएगा, हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच हम जीरा का पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर। गरम मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे, मिला दें मसालों को। मसालों को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्याज के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे मसालों को पका लिया मैंने, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 1 बड़ा टमाटर और टमाटर के साथ नमक डाल दें ताकि ये जल्दी पक जाए, मिला दें इसे। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक प्याज के साथ पकाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर को स्प्रेड कर दें और पैन को कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकने दें। 5-7 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे टमाटर जो है वो पक गए हैं, मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें छोले डालेंगे। तो छोले को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था और उसे 6 सीटी आने तक उबाल लिया है प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे छोले पके हुए हैं, इसे इस मसालों में मिला देंगे और इसके बाद हम इसे ढक के 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो पैन को कवर कर दें और लो फ्लेम पर 10 मिनट पकने दें। 10 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने और ये हमारे छोले जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो लास्ट में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर आप ग्रेवी वाले छोले बनाना चाहते हैं तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सूखे छोले बना रही हूँ। तो यहाँ पे गरम मसाला मिला के लास्ट में इसके ऊपर धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दें। मैंने इसमें छोले मसाला का नहीं यूज़ किया है, आप चाहे तो 1/2 छोटी चम्मच छोले मसाला ऐड कर सकते हैं जब बाकी के मसाले ऐड करते हैं तब। तो ये हमारा मज़ेदार छोले मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो गैस को बंद करती हूँ और ले चलती हूँ इसे टिफ़िन बॉक्स में डालने के प्रोसेस में। तो आप इस छोले मसाले को पूरी पराठे या चपाती के साथ टिफ़िन बॉक्स में दें, बहुत ही अच्छा लगता है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो आप इस छोले मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारी टिफ़िन वाली 6 सब्जियाँ रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने बनाया आलू शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, छोले मसाला, आलू बैगन, यहाँ पे मशरूम और लास्ट में ब्रोकली। तो आप इन सब्जियों को ज़रूर ट्राई करें और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।